तो क्या आप भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज नहीं कर पा रहे हैं? जब भी आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एरर आ जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कीजिए एंड देन सेटिंग में जाके परमिशन को अलाउ कीजिए। अब आप यहाँ पे सेटिंग में जाके परमिशन की सेटिंग में जाते होंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं मिलती होगी जिससे आप यहाँ पे अलाउ कर सकें। नॉर्मली यहाँ पे अलाउ करने की दो सेटिंग होती है, ये दोनों सेटिंग आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। जब तक आप परमिशन अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में आप ना तो गैलरी से कोई फ़ोटो ले सकते हैं और ना ही पिक्सल लैब एप्लीकेशन से कोई फ़ोटो सेव कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा पिक्सल लैब एप्लीकेशन अपडेट है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, और क्लियर डाटा भी आप करेंगे तो भी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली। तो ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन की तरफ से बग चल रहा है, कुछ दिन में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा, लेकिन इतने दिन तक हम इसका वेट नहीं कर सकते, तो अभी हमें इसका जुगाड़ लगाना होगा। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सल लैब ओल्ड वर्जन, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको पहली वेबसाइट को ओपन करना है अप टू डाउन। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की साइड आ जाना है, तो आपको पिक्सल लैब का कोई ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर लेना है। ज़्यादा ओल्ड भी मत कीजिएगा वरना कमाल के फीचर आपको नहीं मिलने वाले। ओके, तो मैं यहाँ पे अप्रैल का वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि अप्रैल के वर्जन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपके मोबाइल में ओरिजिनल पिक्सल लैब एप्लीकेशन है आपको उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, तो चलिए अब इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परमिशन अलाउ करने का इंटरफेस आ चुका है, तो हम यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देते हैं। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे वो एरर नहीं आया है। अब मैं गैलरी से कोई फ़ोटो यहाँ पे अटैच भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इस फ़ोटो को मैं यहाँ पे गैलरी में सेव भी कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं गैलरी में ये फ़ोटो सेव हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।